अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों आज एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वो हमारे दैनंदिन जीवन से रिलेटेड है, हमारे वैवाहिक जीवन से रिलेटेड आज का हमारा विषय है। दोस्तों आजकल की लाइफस्टाइल में हम अगर देखेंगे दोस्तों तो फिज़िकल रिलेशन या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल आ चुके हैं दोस्तों। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके कॉजेस क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों सब में ज़रूरी बात यह है कि आजकल के जो हमारे जो वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो खास करके मेल पार्टनर में ज़्यादा पाए जाते हैं और उसमें भी मेल इनफर्टिलिटी नाम का जो प्रॉब्लम है वो सब में ज़्यादा पाया जाता है। तो मेल इनफर्टिलिटी होने के कारण क्या है दोस्तों? बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सेक्सुअल हार्मोन है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है, जो हमारे हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम से जो एक द्रव सीक्रेट होता है उसका हम हार्मोन कहते हैं। तो एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का एक जो ग्लैंड है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन की वजह से जो है हमारे प्रॉब्लम्स जो है, अगर वो हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो गया तो हमारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। उसमें भी टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो मेल में ज़्यादातर पाया जाता है, अधिकतम मात्रा में। अगर इसका प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आगे चल के हमें सब प्रॉब्लम्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन के बारे में हम एक बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि मेल इनफर्टिलिटी का जो मेन रीज़न है दोस्तों, उसमें जो है जो स्पर्म का काउंट है वो कम होना, या स्पर्म की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कम होना, या स्पर्म का जो फ्लैजेला है, उसकी जो दुम होती है वो कम होना, या उसमें जो अदर इंग्रेडिएंट है वो कम होना, ऐसे अलग अलग जो कारण हैं वो हमें जो है मेनली इस मेल इनफर्टिलिटी का जो है मेन कारण है दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो मेनली पाया जाता है। दोस्तों आज जो हम एक बात करने वाले हैं ये तो हुआ मेल इनफर्टिलिटी क्यों आती है, उसके बाद जो है मेल इनफर्टिलिटी कौन से एज में पाई जाती है। मोस्टली 30-40 के एज में जो है अपने सेक्सुअल डिज़ायर जो है, जो हमारे जो वैवाहिक जीवन या शारीरिक संबंध रखने का जो ये है, जो हमारा जो मकसद होता है वो 30-40 के बीच में हमारा जो सेक्स डिज़ायर है वो कम हो जाता है दोस्तों। उसके बहुत से अलग अलग रीज़न हैं, जो सेक्स डिज़ायर हमारा कम होता है दोस्तों उसकी वजह से जो है हमारा जो डाइट है, डाइट में भी हमें जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन का डाइट नहीं मिलता, हाई प्रोटीन का डाइट नहीं मिलता, टेस्टोस्टेरोन जो रिच है ऐसे डाइट हम उसमें यूज़ नहीं करते दोस्तों, या हमको वो नहीं मिलता, इसके लिए भी हमें प्रॉब्लम आता है। इसकी वजह से जो है मेल्स में अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नाम का एक प्रॉब्लम होता है, जो 1-5 मिनट के अंदर ही जो है मेल्स में जो वैवाहिक जीवन में जो शारीरिक संबंध होते हैं वो डिस्चार्ज, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता दोस्तों। फिर दूसरा है एक जिसमें हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें जो है इरेक्शन का काम है दोस्तों वो एकदम कम ही हो जाता है, मतलब एकदम डिसफंक्शन की तरफ वो चले जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लो सेक्स डिज़ायर, ये सभी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन अगर हमारे बॉडी में कम आया, जो हम मैं बता रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन FSH या जो ये जो हार्मोन है या गोनाड्रोपिक हार्मोन जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, खाने पीने में हमारे प्रॉब्लम आए, तो हमें जो है ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स के ले जूझने के लिए जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगा। मैनश्योर का एनर्जाइज़र जो लो सेक्स डिज़ायर होता है उसके लिए वो काम करता है। मैनश्योर का ही जो दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैनश्योर प्रोलॉन्ग, जो कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काम करता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए मैनश्योर अपराइट है। ऐसा एक दो तीन प्रोडक्ट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो टेस्टोस्टेरोन का भी इनके पास प्रोडक्ट है, मैनश्योर टेस्टोस्टेरोन। जो ये अलग अलग चीज़ें जो होती है दोस्तों, हमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो हमारे वैवाहिक जीवन में या हमारे बॉडी पे वो नज़र आता है। अभी सेक्स डिज़ायर ये कम होने के प्रॉब्लम्स क्या है? स्ट्रेस है, स्ट्रेस नंबर वन। हमारे फिजिकल एक्सरसाइज कम है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसकी वजह से भी जो है हमारा सेक्स डिज़ायर कम होता है। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ हुआ है, तो उस जीवन में हमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे जो वैवाहिक पार्टनर है या हमारे जो बीवी है, उनसे हमें जो है अपत्य प्राप्ति नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं। तो इसका रीज़न ही यही है दोस्तों कि जो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं
जो हमारे स्पर्म काउंट कम है, या हमारे स्पर्म की क्वालिटी कम है, या हमारे स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो है हमारे आपत्ति हमें होते नहीं है, हमें बच्चे नहीं हो सकते। तो हमें भी इस चीज़ को मानना चाहिए। कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके भी जो है सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल सेक्स डिज़ायर का जो कैपेसिटी है उसका, वो कम होता है क्योंकि उसका स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म क्वालिटी कम होती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम होती है दोस्तों। इसी वजह से हम जो है कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो उसी में से ही कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊँगा आज। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मैनश्योर का कंपनी का, ये जो एनर्जाइज़र नाम का एक प्रोडक्ट है दोस्तों। तो ये इसका ऐसा पैकिंग है, बहुत ही अच्छी पैकिंग है, ऐसा खुलता है। इसका ये टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स का भी बहुत ही अच्छा पैकिंग है, गोल डब्बा है इसका तो लगभग लगता है। और टैबलेट जो है वो कैप्सूल जो है वो ग्रीन कलर की है। ये दिन में दो बार खाने का हम सजेस्ट करते हैं और लगभग एक दो तीन महीने अगर आप ये कैप्सूल खाएंगे दोस्तों तो इसका बहुत ही अच्छा इस असर आपके ऊपर होगा। आपका जो सेक्स डिज़ायर कम हुआ है वो इम्प्रूव होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे फ़र्क होगा, आपका स्पर्म काउंट में, स्पर्म क्वालिटी में और स्पर्म मोर्टेलिटी में भी आपके फ़र्क आ जाएगा दोस्तों। बहुत से पेशेंट स्ट्रेस लेते हैं, बहुत से पेशेंट जो है फिजिकल टेंशन रहता है उनको, या फिर मानसिक तनाव में होते हैं, बार बार झगड़े होते हैं, तो ऐसे कारण से भी जो है हमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। डाइट अगर आप बार बार गलत प्रकार का डाइट आप लेंगे, हाई प्रोटीन्स आपको ज़ीरो मिल रहे हैं, ऐसे डाइट आप लेंगे तो कोई उपयोग नहीं है दोस्तों। तो आप हाई प्रोटीन का डाइट ले। आप बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर लोगों को देखे होंगे, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इनका जो है ये कंपनी का एक टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्ट है, मैनश्योर टेस्टोस्टेरोन, मैनश्योर प्रोलॉन्ग, जो मैंने प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का एक प्रॉब्लम बताया था तो मैनश्योर प्रोलॉन्ग ये प्रोडक्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो अपना मेन प्रॉब्लम है सब लोगों का, वो टेस्टोस्टेरोन की कमी का है, टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव कर सकता है। और अपना जो है अपराइट, मैनश्योर अपराइट नाम का एक प्रोडक्ट है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक वाउचर भी, एक फ़ोटो भी था जिसमें बताया है वो नेचुरल। और ये कंपनी की अच्छी खास बात ये है, क्योंकि मैं कंपनी से क्यों जुड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट में क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये पूरा नेचुरल है, पोटेंट नेचुरल, जो एंशंट बुक्स में बताया है, जिस हमारे जो बुक्स में प्रिस्क्राइब किया है वो बुक्स के संहिता के ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एनर्जाइज़र नाम का जो प्रोडक्ट है उसमें इसके, ये सभी प्रोडक्ट्स ये खास प्रोडक्ट एनर्जाइज़र क्यों है सब में अलग, उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, 2200 कुछ है। तो उसका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसमें गोल्ड का पाउडर है, गोल्ड का चूर्ण है, उसकी वजह से जो है उसकी खासियत, उसका जो डिमांड है वो ज़्यादा बनता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारे जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे जो हम में जो अगर कुछ कमी है उनको अगर दूर करना है तो अच्छा डाइट ले, स्ट्रेस कम करे, फिजिकल एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे, और कुछ अच्छे घटक द्रव्य, कुछ अच्छे मेडिसिन अगर आप ले लेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम कम हो सकता है दोस्तों। होप दोस्तों आपको ये, और आपका प्रॉब्लम अगर कम होगा तो आपको बच्चे भी होंगे, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाएंगे, और जिसको जो है फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है वो भी इम्प्रूव हो सकता है दोस्तों। होप दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें,